अरे जी तो कर न चले वो पार भैया के जी तो कर न चले वो पार के नौकर संग लगाई दो गाड़ी सजवा के तैयार की जिसमें माल खजाना रख लिया है और अपने आहा बहुओं व बेटों से विदा लेकर के चलते हैं। और क्या होता है, अरे जे तो करने चले व्यापार के जे तो करने चले व्यापार के नौकर संग लगाई ही। कैसे भैया, चले आगे तू सामा धरी लैर खाए बेकू। और बेटा, अरे चले देश मेरे सिरी कर तार के नौकर संग लगाई। अरे जे तो कर न चले व्यापारी के नौकर संग लगाई। धीरे 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 गाड़ी रवानी होती चली जा रही है और आगे क्या होता है, अरे एक को बने नाको दूजा बने नाको, अरे एक बने नाको दूजा बने नाको, अरे तीजे बनो बेलन कुहा को। और क्या, अरे पहुंचे एक नदी की पारी बेटा, अरे पहुंचे एक नदी की पारी के नौकर संग लगाई है। जे तो कर न चलिए वो पार के नौकर संग लगाई है। मेरे प्रिय सज्जनों, विमल कैसेट के माध्यम से आप ये नरसी विवाह सुन रहे हैं और खास करके इनके संयोग हमारे मनिया वाले जैन साहब, हमारे सहयोग में उन्होंने बहुत काफी सहयोग दिया है। हाँ, और जैन साहब जी, अरे उनके बगैर तो कोई काम ही ना चले। ध्यान दीजिए आगे क्या होता है भैया, अरे थाले पे नदिया में धायो। बेटा मुंगामल। हाँ पिताजी। देखो इस नदिया में पानी कितना गहरा है। हाँ, रास्ता यही होके है लेकिन अब दूसरा रास्ता यहाँ से कहाँ हम गुजारेंगे, इसलिए बेटा इस पानी की थाह लेकर के आओ और जहाँ गहरा पानी वहीं से वापिस हो आना। हाँ पिताजी, मैं अभी थाह लेकर के और आता हूँ। अरे थाले पे नदिया में धायो, पानी बहुत पार नहीं पायो। अब जैसे ही मूंगामल गाड़ी से उतर के नदिया में घुस जाते हैं, धीरे धीरे आगे जब जल में कदम बढ़ाया मेरे प्रिय श्रोता हो, एकदम से धा अचानक जो पांव से आगे निकल गई है, गोता लग गया है। और क्या होता है भैया, अरे लीला प्रभु की अपरंपार के नौकर संग लगाए। अरे जे तो कर न चले व्यापार के नौकर संग लगाई। मूंगामल जैसी उछलती अपने पिता को आवाज लगाने लगी है, हे पिताजी। बेटा बेटा बेटा, ये क्या कर रहे हो आप, बेटा पानी से बाहर आओ। पिताजी बचाओ पिताजी। अरे बेटा तह में डूबियो जाई। बेटा बेटा, अरे बेटा तुम कैसे पानी में बहते जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ बेटा। अरे बेटा तही में डूबियो जाई, संगई पिता भजो अकुलाई, मैं भी आ रहा हूँ मेरे लहर। ठहरो बेटा ठहरो,
नहीं पिताजी आप दूर रहना। नहीं बेटा मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अरे ऐसी थी पानी की धार के नौकर संग लगाई है, जे तो करने चले वो पार के नौकर संग लगाए है, जे तो करने चले वो पार के नौकर लौट के आई है। इस प्रकार से बेटा बेटा कह के आज अजय पाल भी नदी में कूद जाते हैं, तो आज बंदो मूंगा मल बहते बहते बहुत दूर निकल जाते हैं और पीछे से उनके पिताजी भी उस नदी में बह जाते हैं। ये प्रभु की लीला जानी नहीं जाती। आज पिता पुत्र ने उस नदिया में इस प्रकार से बंदो प्राण त्याग दिए और वह नौकर उसी नदी की पार से गाड़ी को लेकर के वापिस होते हैं। और जो घर पे आए हैं, इधर में सास बहू दरवाजे पे ही खड़ी है और क्या होता है के नौकरू आए लौट के, और है अचरज की बात सो कुछ संदेशा पाई की, सो गिरी धरन पे मात है। हे बहू ये अचानक नौकर अभी ये सामने आ रहे हैं गाड़ियों को लेकर के, ये बात क्या है? जब ये एक नौकर आके कहने लगा है माता गजब हो गया, और सेठ जी और तुम्हारे कुमार वह तो नदी में डूब के खत्म हो गए, हे माँ हम इस प्रकार वापस आए। नहीं नहीं बेटा नहीं, ये क्या हुआ मेरे लाल? अरे सास बहू को राड बनाकर, नहीं स्वामी नहीं, आपने ये क्या किया? ये बहू ये गजब हो गया, कैसा अचरज हो गया? अरे सास बहू को राड बनाकर हमसे मुखड़ा तोड़ लिया, अरे अद पर छोड़ी चले गए, हमको जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया। नहीं बहू हमसे मुखड़ा मोड़ लिया, अद पर छोड़ी चले गए, सबको जग से नाता तोड़ लिया, जग से नाता तोड़। नहीं नहीं, नहीं। ये क्या हुआ? कैसे गुजर करे हम स्वामी, अरे दिखे न कोई सहारा ही, बाल अवस्था है बच्चों की, तुम बिन कौन हमारा है जी, तुम बिन कौन हमारा है। अरे कौन जन्म का पाप था भगवान? कौन जन्म का पाप था भगवान जो हमसे बदला चुका लिया, अरे अद पर छोड़ी चले गए, सबको जग से नाता तोड़ लिया, जग से नाता तोड़ लिया। Thank you.
संसार में नहीं रहे बेटा। हे मैया आप चिंता मत करो, जो प्रभु करेगा वही होगा। नहीं बेटा अब क्या होगा। डरो हरिओम। अरे ओ मैया कछु सबर करो तुम। बेटा 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 मैया करो तुम, ये तो हर की माया है, जो जीव जगत में आया है वो काल बलिनी खाया है, काल बलिनी खाया है। अरे है संसार रहने का सपना। नहीं बेटा विक्रम। मैया अरे है संसार रहने का सपना, क्यों तुम धीरज छोड़ दिया। अरे अदब पर छोड़ी चले गए सबको, जग से नाता तोड़ दिया, जग से नाता तोड़ दिया। बेटा अब हम कैसे रहेंगे मेरे लाल। हे मैया बेटा विक्रम, जो ऊपर वाला करता वही होता है, अब दिल में धीरज धरो। बेटा जब से तेरे पिता और तेरे बाबा नहीं रहे तो अब यहाँ गांव में हमारा रहने का मन नहीं करता। हाँ मैया क्या करें बेटा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। सुनो मैया, मन लगता ये यहाँ नहीं, मन लगता ये यहाँ नहीं। विक्रम मैया अरे कैसा सब्र करे हम मैया, फिर हमारा छूट गया, अद पर छोड़े चले गए हमको, जग से नाता तोड़ दिया, जग से नाता तोड़ दिया। तो मेरे प्रिय सज्जनों एवं मेरी माता बहने, ये विमल कैसेट के माध्यम से आप नरसी का विवाह सुन रहे हैं। आइए इधर जब कहानी चलती आगे तो ग्राम तलाजा को छोड़ करके ये पांचों भाई अपनी माँ और दादी को साथ लेकर के वहां से चलते हैं, गाड़ियों में माल लाद लेते हैं। धीरे 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 जब आगे जब बड़े हैं तो बियाबान जंगल पड़ता है और जूनागढ़ के लिए वो रवाना हुए थे मेरे सज्जनों। तो बीच रास्ते में उनको शाम हो जाती है तो एक ऋषि का आश्रम था और उस आश्रम पे बगल में कुआं था और विक्रम कहने लगे हैं कि हे माँ अब तो शाम हो गई है, चलो इसी जगह पर रात्रि व्यतीत करते हैं
और उसके बाद सुबह यहाँ से चल देंगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, देखिए भगवान की लीला क्या होता है कि यहाँ खाना खा के निवृत्त होके जब सभी आराम करने लगे हैं, उसी रात्रि में एक सर्प काला निकल के और नरसी को हाथ में डस लेता है। अब भोर होता है, सवेरे सूरज निकलता है, सभी जगते हैं लेकिन नरसी नहीं जगे हैं। जिनके मुख में से नीले नीले झाग निकल रहे, एकदम से विक्रम कहने लगे, भैया नरसी, भैया नरसी। हे माँ। बेटा क्या बात है? देखो ये क्या हो गया है भैया को? बेटा देखो, ये तो नीले नीले झाग निकल रहे हैं। वारे भगवान, वाह, ये क्या किया तुमने? कि भोर हो तू ही सब जगी। अरे हर को किया प्रलय, अरे नरसी बेटा ना जगो, ये कहा रचिए रा।